हेलो एवरीवन, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैड बैंक। बैड बैंक की स्थापना की घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। तो ये बैड बैंक है क्या और किस तरह से ये एनपीए की समस्या का समाधान करेगा। एनपीए को ही नॉर्मली बैड लोन्स कह दिया जाता है, इसके समस्या का कैसे समाधान करेगा। और NARCL ये बैड बैंक है और ये काम करेगा IDRCL के साथ मिल करके। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर किस तरह से, कैसे ये दोनों मिलकर काम करेंगे, इसके बारे में हमें विस्तार से इस वीडियो में देखना है। आप इंडियन एक्सप्रेस का भी ये न्यूज़ देख सकते हैं, व्हाट इज गुड अबाउट बैड बैंक। तो इसके भी बहुत सारे मैटर को मैंने इंक्लूड किया है ताकि एक कंप्रिहेंसिव वीडियो आ सके आपके सामने में, एक कंप्रिहेंसिव आपकी समझ बन सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये मेरा परिचय, आप टेलीग्राम पे मुझसे जरूर जुड़ें, bhanupr_unacademy। यहाँ यूट्यूब का जो भी क्लास होता है उसका मैं PDF यहाँ आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। दो अभी क्लासेस मेरे चल रहे हैं, एक तो इस चैनल पे जिस पे आप देख रहे हैं UPSC पर, और दूसरा लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी पर। तो दोनों का PDF आपको यहाँ मिल जाता है। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इस कोड का इस्तेमाल करके अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिटेल से हमें आप इस न्यूज़ को समझना है, लेकिन इसके पहले हमें ये देखना है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA को समझने से भी पहले हमें एसेट्स को समझना होगा, एसेट्स क्या होता है। हमें लायबिलिटी को भी समझना होगा और एसेट्स को भी समझना होगा। देखिए, किसी भी कंट्री में जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो या तो डिपॉजिट अपने पास लेंगे या फिर लोन देंगे, यही होगा। तो जो डिपॉजिट्स रखते हैं वो अपने पास लेते हैं उसको लायबिलिटी कहते हैं, देयता कहते हैं, क्योंकि ये लौटाना है। लेकिन जो लोन वो देते हैं उसको एसेट्स कहते हैं, परिसंपत्ति कहा जाता है बैंक का। तो सामान्य सी बात है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों को बढ़ाना चाहेगा, इसीलिए वो लोन देगा। अब इस चक्कर में हो जाता है क्या, कभी कभी ज़्यादा लोन दे दिया जाता है। वैसे भारत में तो बैंकिंग स्ट्रक्चर ठीक है, इस कारण से बहुत ज़्यादा लोन की बात, प्राइवेट बैंक आने की बात थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है। परिसंपत्ति बढ़ाने के चक्कर में ये लोन जो बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, यही कई बार जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। एक्चुअली जो एसेट्स है ये भी, इसको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं एसेट्स को, एक परफॉर्मिंग एसेट हो सकता है और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है कि जो भी परिसंपत्तियाँ हैं बैंक की या फिर जो भी लोन दिया गया है उस लोन का रिटर्न जो है वो टाइम टू टाइम आते रहे। तो अगर टाइम पे आ रहा है तब तो वो परफॉर्मिंग एसेट है, अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है तब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। लेकिन टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये टाइम क्या है, तो टाइम जो है वो 90 दिनों का है। यानी 90 दिनों तक जो भी लोन दिया गया है, जो एडवांस दिया गया है, उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन या फिर इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना आए 90 दिनों तक, तो उस परिसंपत्ति को बैंक अपने उस परिसंपत्ति को क्या कहेगी, NPA कहेगी। फर्दर NPA को भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, यानी ऐसा NPA जिसको मतलब 12 महीने से नीचे, मतलब 3 महीने से ऊपर अगर होगा, लौटाया नहीं गया पैसा 3 महीने तक, तो 3 महीने से ऊपर का जितना भी NPA है और 12 महीने तक का, मतलब शुरुआती NPA जो होता है 3 मंथ से लेकर के, तो 3 महीने से ऊपर का हो गया तो NPA हो गया, और 12 महीने से नीचे, मतलब शुरुआती NPA जो होता है, जो एक साल के अंदर वाला तक होता है, दैट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। इसके बाद डाउटफुल एसेट होता है। डाउटफुल एसेट मतलब इसके बाद का जो एसेट होगा, जो ज़्यादा डाउटफुल हो गया है एसेट, जिसको पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इसमें डाउट अगर हो गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाउटफुल एसेट। तो 12 महीने के बाद की वैसी परिसंपत्तियां, मतलब 12 महीने तक उसमें पैसा बिल्कुल, इंटरेस्ट या मूलधन बिल्कुल नहीं लौटाया गया, तो 12 महीने के बाद का जो 12 महीना का पीरियड होगा, दैट इज़ डाउटफुल एसेट। उस श्रेणी में जो एसेट आएगा उसको डाउटफुल एसेट कहेंगे। यानी इसको हम सिंपल सा कहें कि एक साल से लेकर के 2 साल, मतलब ऐसी परिसंपत्ति जिसमें एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन 2 साल से नीचे का टाइम है, तो 1 से 2 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है जिसमें रिटर्न बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है, इंटरेस्ट या फिर मूलधन नहीं आया है, तो उसको डाउटफुल एसेट कहेंगे, ठीक है। तो पहला कैटेगरी सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा कैटेगरी डाउटफुल एसेट, और तीसरा लॉस एसेट्स, मतलब इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन मूलधन या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट वापस नहीं आ रहा है, तो उसको लॉस एसेट्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसके बारे में मान लिया जाता है कि ये जो है अनकलेक्टेबल है, मतलब इसको कलेक्ट अब नहीं किया जाता है, जा सकता है। अब देखिए कि NPA की ये सब तो खैर क्लासिफिकेशन हो गया, ये बेसिक बातें हो गई। अब क्या अगर NPA इसी तरह से छोड़ दिया जाए, बैंकों को वापस अगर पैसा ना लौटे, और बैंक के पास पैसा जो होता है वो होता किसका है,
बैंक के पास जो पैसा होता है वो तो सामान्य जनता का ही पैसा होता है, बैंक की अपनी पूंजी उतनी कुछ नहीं होती है। बैंकों ने पैसा आपसे लिया और वो पैसा जो है देना स्टार्ट किया, लेकिन जो दिया, जो उसका एसर्ट हो गया, वो अगर वापस नहीं लौटता है टाइम पर तो बैंक जो है दिवालिया हो सकती है। और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टैक्स पेयर का, अगर टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वास्तव में टैक्स पेयर का ही पैसा होता है। एक और दूसरी बात, यहाँ आप ये भी देखें कि अगर कोई बैंक जिसके पास बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया, ठीक है, एक तो पैसा गया सो तो टैक्स पेयर का गया, दूसरी बात जो पैसा गया है उसका कई बार उसको रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है, मतलब फिर से उसका पुनर्मुद्रीकरण किया जाता है, फिर से वहाँ गवर्नमेंट जो है उन बैंकों में, जो सरकारी बैंक है उसमें फिर से पैसा लगाती है, ठीक है। तो पैसा किसका गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट का भी जो पैसा लगाएगी, हम टैक्स पेयर का ही पैसा लगाएगी। तो बैंक का जो पैसा गया, जो सरकारी बैंक है, मान लो उसका पैसा अगर चला गया, वो एसेट वापस अगर नहीं आ रहा है तो हमारा ही पैसा गया कहीं ना कहीं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ही नुकसान होने वाला है। दूसरा जो डायरेक्टली नुकसान होने वाला है कि सरकार टैक्स पेयर का पैसा फिर उन बैंकों में लगाती है, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के कारण वो फिर फर्दर जो है हमारा पैसा जा रहा है। तो टैक्स पेयर के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे एनपीए की जो समस्या है वो गंभीर है। अब एनपीए की समस्या गंभीर है, बैंक उसको वसूल नहीं पा रहे हैं, तो वसूलने के लिए एक अलग तरह का बैंक बनाया गया, दैट इज कॉल्ड बैड बैंक, ठीक है। ये होता क्या है, वास्तव में ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब ये ARC है, आगे भी आप देखेंगे NARCL, उसमें भी यही रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही वर्ड आएगा, ठीक है। तो वास्तव में ये एक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि फिर से बैंकों का जो एनपीए है उसको वापस लेके आती है। कैसे लेके आती है, कैसे ये एग्जैक्टली काम करती है, आगे हम देखेंगे। और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इसको कह सकते हैं, दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ये क्या करते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो व्यावसायिक बैंक है, उनका जो बैड लोन है यानी एनपीए है, एनपीए क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कि भाई तुम हमें दे दो, हम जो है वसूल के तुम्हें देंगे, इसके बदले जो है सो मुझे कुछ मुनाफा हो जाएगा, इस तरह का होता है ना कई बार, ठीक है। तो यहाँ भी वो चीज़ होता है, तो इनका बैड लोन ये इस तरह की कंपनियाँ ले लेती हैं, उनको मैनेज करती हैं, उनको फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के अनुसार एक समय में उसको फिर रिकवर कर लेती है, पहले मैनेज करती है, ठीक है ना, और फाइनली रिकवर कर लेती है। और एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, और इसको आप देख सकते हैं, सीतारमन ने अभी अनाउंस किया, यहाँ से एग्जैक्टली न्यूज़ स्टार्ट हो रहा है, पीछे तो मैंने बैकग्राउंड बस बताया। तो भारत का पहला बैड बैंक, इसके स्थापना की घोषणा की, और इन्होंने कहा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वास्तव में यही जो है ये बैड बैंक है, लेकिन सिर्फ यही अकेले काम नहीं करेगा, दो कंपनियां साथ में मिलकर काम करेगी। तो अगर पूछे कि बैड बैंक कौन है, तो बैड बैंक यही है, लेकिन अगर जो है ऑप्शन अगर आ जाए कि NARCL IDRCL तो वो वाला करेंगे, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि NARCL, वो आगे भी हम इसे देख सकते हैं IDRCL, ये दोनों मिल करके बैड बैंक का एक स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही हैं। वैसे इसी को फर्स्ट बैड बैंक कहेंगे, लेकिन दोनों मिल करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही हैं, वो आगे हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये ऑलरेडी काम कर रही है, और ये क्या करेगी कि विल अक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब इस तरह के जो दबाव वाले एसेट्स हैं, मतलब दबाव वाली परिसंपत्ति यानी एनपीए जो हैं, लगभग 2,00,000 करोड़ की एनपीए जो हैं वो वेरियस कॉमर्शियल बैंक से ये पहले लेंगी, और उसको फिर जो है इस तरह की परिसंपत्तियों को फिर से बैंकों को लौटाएंगे, ठीक है। मतलब इस तरह का इतना 2,00,000 करोड़ का बैड लोन ये कॉमर्शियल कंपनी का लेंगी और फिर उसको लौटाएंगी। कैसे लौटाएंगी वो आप देख सकते हैं। एक दूसरा एंटिटी है इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL, तो ये भी सेटअप किया जाएगा, विल देन ट्राई टू सेल। तो ये जो है ये क्या करेगी कि ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं या एनपीएस जो हैं या बैड लोन्स जो हैं उसको कॉमर्शियल बैंक से लेंगी, एक्वायर करेंगी, उसको मैनेज करेंगी, और ये जो है इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड इसको सेल करेगा। मतलब उसके पास बैड लोन जब आ गया तो उसको सेल करने का काम ये करेगा, ठीक है, इसको मैनेज करने का, सेल करने का काम ये करेगा। और इस तरह से NARCL और IDRCL इन दोनों का जो एक मिला जुला स्ट्रक्चर है कि ये कॉमर्शियल बैंक से इस तरह का लेगा और इसको ख़त्म करने का प्रयास करेगा, सेल करने का प्रयास करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को वास्तव में जो है बैड बैंक कहा जा रहा है।
टू मेक इट वर्क द गवर्नमेंट हैज ओकेड। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए 30,600 करोड़ रुपए का गारंटी भी दिया है। ये गारंटी का उपयोग क्या होगा वो आप आगे देख सकते हैं। तो ये इन दोनों की जो जोड़ी है वो कैसे एग्जैक्टली काम करते हैं उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि NARCL विल फर्स्ट परचेज बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स। बैंकों से बैड लोन ये क्या करेंगे, पहले परचेज करेंगे। अब जितना में परचेज किया गया है, 100 रुपये में परचेज किया गया है, तो 100 रुपये का 15 रुपया पहले जो है उन बैंकों को दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी का 85% जो बचा है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में दिया जाएगा। और जब ये उन स्ट्रेस्ड एसेट्स को जब बेच देंगी तब जो पैसा 85% बचेगा वो बैंकों को लौटाया जाएगा। मतलब जितने में एग्री हुए हैं उसमें भी 15% पहले दिया जाएगा, देन 85% दे दिया जाएगा। तो बैंकों का भी जो पैसा एकदम से डूब रहा था वो कहीं ना कहीं रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सी द बैड लोन्स। अब वो जो गारंटी दिया गया था उसका क्या फायदा होगा वो यहां आपको दिखेगा इस स्लाइड में। अगर मान लो कि बेच नहीं पाते हैं, बैड बैंक का ये जो स्ट्रक्चर है ये बैड लोन को सेटल नहीं कर पाते हैं या फिर उसको बेच नहीं पाते हैं, और हैज टू सेल इट एट अ लॉस, या फिर बहुत ही लॉस में इस तरह के लोन को वो बेचते हैं, तब क्या होगा, देन द गवर्नमेंट गारंटी विल इन्वोक्ड एंड डिफरेंसेस बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक वॉज सपोज्ड टू गेट एंड वॉट द बैंक वॉज एबल टू रेज, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि जितना बैंक को मिलना था, ठीक है, बैंक को मान लो कि 100 रुपया मिलना था, 15 रुपया और 85, अब इसमें बेच के मान लो कि 90 रुपया ही आ पाया, तो ये जो अंतर है ये अंतर की भरपाई यहाँ से हो पाएगी, ठीक है, जो गारंटी है वहाँ से हो पाएगी। वेल बैड बैंक रिजॉल्व द मैटर, इस तरह का जो मैटर है, ये जो प्रॉब्लम है, क्या वास्तव में इसका समाधान हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा बहुत हद तक। मतलब बैंक अपने पैसे को वसूल नहीं पा रही है तो एक अलग जो है ये बना दिया गया, इकाई बना दी गई, वो इकाई जो है सो पैसा वसूल लेगी, तो अच्छी बात है पैसा वसूल ले, ठीक है। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक सेटल्ड विद हाई NPA, अभी इनके पास बहुत ज़्यादा NPA हो गया है, NPA एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, NPA के बारे में आप बराबर सुनते भी होंगे, दैट्स बिकॉज सच अ बैंक विल गेट रिड ऑफ इट्स टॉक्सिक एसेट। ये जो NPA है उसी को टॉक्सिक एसेट कहा जा रहा है, तो इस तरह का जो टॉक्सिक एसेट है, जो जहरीला परिसंपत्ति है, उसको बेचा जा सकेगा, विच वर ईटिंग अप इट्स प्रॉफिट। और इस तरह का जो NPA है उसका जो प्रॉफिट है बैंकों का, प्रॉफिट खा जाती है, क्यों? क्योंकि बैंक ने किसी को पैसा दिया और बैंक को लौटाया नहीं गया, लेकिन जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया था वो तो अपना पैसा टाइम पर लेंगे ही लेंगे, तो इस तरह से बैंकों का जो प्रॉफिट है उसकी भरपाई इस तरह के NPA के कारण, मतलब वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, तो बैंकों का प्रॉफिट जो है वो बेकार चला जाता है, तो इस चीज़ से मुक्ति दिला सकता है इस तरह का बैड बैंक। When recovery money is paid back, it will further improve bank's position. बैंक का जो पोजिशन है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब अपने अन्य क्लासेस के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, सबसे पहले जानकारी इसके बारे में, तो IR पर क्लास हमारा चल रहा है, NCERT पर, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। बुधवार को इस पर ज़्यादा क्लास चलता है, लेकिन मंडे से यानी आज से ही इस पर आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो शाम 5 बजे से इसका टाइम है, 5 से 6 PM, तो इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। डेली नहीं चलता है, कभी कभी ये क्लास ब्रेक रहता है, क्योंकि यहाँ जो एप्लीकेशन पर क्लास है वो थोड़ा सीमित आर है, तो इस कारण से वहाँ क्लास कभी कभी ब्रेक होता है, डेली नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी होता है तो लगभग टाइम यही 5 से 6 के आसपास होता है, तो आप ज़रूर यहाँ ज्वाइन करें इस क्लास को। यहाँ आप मेरे प्रोफाइल नेम भानु कुमार पे जाएंगे एप्लीकेशन पे, और वहाँ आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मेरे कोर्सेज वहाँ अन्य भी हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो IR का क्लास चल रहा है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ 19 तारीख को। चलिए, ये तो खैर हो गया, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, तो आई होप आप लोगों का टेस्ट ये अच्छा रहा होगा, हर एक संडे को ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट को आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी के बारे में, यदि आप अनअकैडमी पर 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 20 बुकलेट्स, जो कि इसका इसकी कीमत ऐसे अलग से अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास है, 10,000 है, तो ये बुक्स आपको मिल जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल ये बुक्स होते हैं, तो ये आपको मिल जाते हैं मटेरियल के रूप में। इसके अलावा आप लोन की सुविधा भी ले सकते हैं,
अनअकैडमी पे आपको एडमिशन लेना है, लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ लेना है लेकिन पैसे की कमी हो रही है, तो आपको एजुकेशनल लोन के थ्रू भी आप यहाँ कर सकते हैं, संपर्क इसके लिए आप कर लें। आइकनिक और प्लस, ये दो हमारा अलग अलग पेड कोर्स है। प्लस के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट और ये सब फ़ायदा मिलता है, जबकि आइकनिक में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट में इन सब चारों तरफ जो दिया गया है उसको देख सकते हैं। दोनों के फीस स्ट्रक्चर में भी ऑब्वियसली थोड़ा अंतर होगा, ये अंतर आपको दिख रहा है, ये प्लस का फी है और ये आइकनिक का फी है, लेकिन ये पे करना है इतना, ये सब जो है पे करना है। क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट आपको मिलता है, BHP10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करने पर सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ 6 महीने का कोर्स अवेलेबल नहीं है, 1 साल से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा टॉप 19 ऑप्शनल जो हैं, 19 टॉप ऑप्शनल का भी क्लास आप यहां से ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बेस्ट एजुकेटर्स की पूरी टीम है, और सिर्फ एक एजुकेटर नहीं, एक एक विषय के कई बार एक से ज़्यादा या दो से भी ज़्यादा कई बार जो है आपको एजुकेटर्स मिल जाते हैं। तो जिस एजुकेटर का आपको क्लास लेना आराम से आप ले सकते हैं, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज, आप इन सब प्लेटफॉर्म पर फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अनअकैडमी चुनौती 2.0, पाथफाइंडर 6.0 और इन सब पे, ठीक है। और इसके लिए आपको कोड अगर इस्तेमाल करना हो तो BHP10 कोड का इस्तेमाल आप करेंगे। 1 साल का और 2 साल का बैच यहां आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में अभी 22 तारीख से, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर हिंदी में नहीं हो रहा है, हिंदी में नहीं हो रहा है, तो देखो आपके आपका जो जवाब है वो यहां है, हिंदी में ये बैच अब स्टार्ट हो चुका है, 22 से ये स्टार्ट होने वाला है, इसकी घोषणा अभी मैं कर रहा हूं। बायलिंगुअल क्लास भी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह से 2 साल का भी हिंदी और बायलिंगुअल में स्टार्ट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, लेट्स क्रैक इट।